इस साल का मानसून केरल में तय समय से 3 दिन पहले पहुंच गया है। हालांकि नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि पहला मानसून 10 जून के बाद विदर्भ में पहुंचने की संभावना है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने कहा कि हालांकि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। चिलचिलाती गर्मी के चलते इस समय पूरा विदर्भ त्रस्त हो गया है। इसलिए जहां सभी की निगाहें मानसून के आगमन पर टिकी थी, वहीं 3 दिन पहले केरल में मानसून आने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल विदर्भ में भी जल्दी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। केरल में मानसून की शुरुआत के बाद मानसून आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर विदर्भ पहुँच जाता है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पत्ता बनना जरूरी है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक विदर्भ में मानसून कब आएगा, इस सवाल का जवाब मानसून की रफ्तार से तय होता है। अगले 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा। हालांकि मानसून के विदर्भ में समय पर पहुंचने की उम्मीद है। 29 मई को मानसून जो है केरल में डिक्लेयर किया गया है और वो अपने सामान्य तिथि 1 जून से 3 दिन पहले केरल पहुँच गया है। केरल में मानसून का प्रवेश जो है हम भारत में मानसून का प्रवेश मानते हैं। हालांकि अंडमान निकोबार में 16 मई को पहुंच चुका है, लेकिन अंडमान निकोबार चूंकि काफ़ी दूर है हमारे लैंड एरिया से, तो उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि केरल में मानसून के प्रवेश का है। केरल की जो सामान्य तिथि है 1 जून है और विदर्भ के जो सामान्य तिथि है 10 से 15 जून के बीच में है। तो नॉर्मल देखा जाए तो 10 से 15 दिन उसके बाद लगते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। मानसून कभी बहुत तेज़ी से भी बढ़ता है और जल्दी पहुंच जाता है, कभी अटक जाता है तो लेट भी होता है। और दूसरी बात ये है कि केरल में जो मानसून की जो बारिश होती है वो अरबियन सी ब्रांच से होती है। मानसून के जो 2 ब्रांच है, एक बंगाल की खाड़ी ब्रांच और एक अरबियन सी ब्रांच। तो हमारे यहाँ पर विदर्भ में ज़्यादातर बारिश जो है वो बंगाल की खाड़ी के ब्रांच से होती है। उसके लिए बंगाल की खाड़ी में कोई लो प्रेशर डिप्रेशन अगर कोई सिस्टम बनता है और वो जब उड़ीसा या आंध्र प्रदेश से अंदर लैंड में प्रवेश करता है तो उसके कारण हमको मानसून की जो है बारिश मिलती है। तो अभी ऐसा अगले कुछ 5-6 दिनों में ऐसा कोई सिस्टम बनता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मानसून जल्दी अभी विदर्भ पहुँचेगी। लेकिन जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा उसके बाद में ही सही पोजीशन पता चलेगा कि मानसून विदर्भ में कब आ पाएगा। फिर भी तय समय पर ही आने की संभावना है, इसके कोई अभी से फोरकास्ट नहीं की जा सकती क्योंकि काफ़ी अभी टाइम है। जिस समय प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी उस समय हम लोग इसका जो है मानसून पहुँचने के बारे में डिक्लेरेशन करेंगे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।